हे गुड मॉर्निंग। जैसा आप जानते हो, हमने अपना मॉरल साइंस में चैप्टर वन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके रिवीजन वर्क, उसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ हो चुका है। तो चैप्टर टू में भी हमने स्टोरी किया है, तो अभी हम उसका बस वर्ड मीनिंग करेंगे। स्टोरी के पास वर्ड मीनिंग होता है ना, तो अभी हमें वर्ड मीनिंग करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मॉरल साइंस का बुक है क्लास थ्री का, जिसमें हमने ये चैप्टर स्टोरी का क्या नाम था, ट्रू फ्रेंडशिप, मतलब जिसमें दो फ्रेंड्स थे सुदामा और कृष्णा के फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया था कि फ्रेंडशिप में कोई भी ऊंच नीच नहीं होती, कोई भी बैरियर नहीं होता। मतलब किसी भी तरह से फ्रेंड में किसी भी प्रकार की डिफरेंसेस नहीं होते। मतलब ये भी बताया था मैंने, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ट्रू फ्रेंड वही होता है जो हमेशा एक दूसरे को समझे, एक दूसरे का सहायता करे, मुसीबत के टाइम पे उनका हेल्प करे। ठीक है, तो ये स्टोरी हमने पढ़ा था, इसे फिनिश किया था, जिसका मॉरल वैल्यू क्या था, ट्रू फ्रेंड्स अंडरस्टैंड ईच अदर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका मॉरल वैल्यू है, ट्रू फ्रेंड्स अंडरस्टैंड ईच अदर। मतलब जो वास्तव में फ्रेंड होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा हर सिचुएशन में समझते हैं। तो इसके बाद हमें अपना अभी वर्ड मीनिंग लिखना है। आप अपना कॉपी नोटबुक लेकर बैठना, और ये आपके नोटबुक में होना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा गुरुकुल। गुरुकुल क्या होता है, जैसे पुराने टाइम पे जो स्कूल्स वगैरह होते थे उसी को गुरुकुल कहते हैं, तो गुरुकुल का मतलब स्कूल। सेकंड है जर्नी। जर्नी मीन्स यात्रा करना, एक जगह से दूसरे प्लेस पे जाना, तो गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अशेम्ड, अशेम्ड मतलब जो शर्मिंदगी की फीलिंग होती है ना, फीलिंग गिल्टी, दोषी महसूस करना खुद को। स्नैच्ड, स्नैच्ड मतलब किसी से कोई भी सामान को लेना, टुक समथिंग बाय फोर्स। जैसे स्नैच्ड वहाँ था ना, जब वो सुदामा को दिक्कत, मतलब उन्हें अशेम्ड फील हो रहा था कि ये इतना बड़ा राजा है और मैं इसे कैसे इतना छोटा सा गिफ्ट दूँ, तो उसी टाइम पे कृष्णा उसके हाथ से वो राइस का जो डिश बना था वो उसके हाथ से ले लेते हैं। फिफ्थ है थ्रिलिंग। थ्रिलिंग मतलब कॉजिंग एक्साइटमेंट एंड प्लेजर, मतलब आपके अंदर किसी भी रीजन की वजह से जो एक्साइटमेंट आता है उसी को हम लोग थ्रिलिंग बोलते हैं। जैसे आप जानते हो कि मूवी में बोलते हैं कि थ्रिलर था, ड्रामा था, तो वो क्या होता है, कॉजिंग एक्साइटमेंट। सिक्स्थ क्या है हमारा, ओकेजन। स्पेलिंग आप लोग सही सही लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओकेजन क्या है, पर्टिकुलर इवेंट, मतलब किसी खास इवेंट को, किसी खास फंक्शन को कहते हैं हम लोग ओकेजन। सेवन्थ है कम्फर्टेबल, मतलब प्रोवाइडिंग फिजिकल ईज। ईज मतलब क्या होता है, कंफर्ट होता है, मतलब फिजिकली जो हम लोग सबको कंफर्ट देते हैं उसी को कहते हैं कंफर्टेबल। जैसे सुदामा गए थे कृष्णा के यहाँ, तो वो थोड़े टाइम तक पहले वो देख लिए कि हाँ ये कंफर्टेबल है या नहीं, फिर उससे पूछे ना कि बाकी सब लोग घर में कैसे हैं, बाकी कैसे आना हुआ। स्नैच्ड क्या है, क्विकली सीज्ड। यहाँ पे मैंने इसे स्नैच्ड दो बार लिख दिया, पर आप एक बार भी लिख सकते हो। नाइन्थ क्या है, अवेटेड। अवेटेड मतलब टू वेट फॉर एन इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट के लिए वेट करना, बेसब्री से जो इंतज़ार बोलते हैं ना, वही होता है अवेटेड, जो ईगरली करते, बेचैन होकर किसी चीज़ का इंतज़ार करना, टू वेट फॉर एन इवेंट। रियलाइज्ड क्या है, अंडरस्टैंड क्लियरली, किसी भी चीज़ को सही तरीके से समझ लेना और उसे फिर फील करना, यही होता है ना रियलाइजेशन, मतलब मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा है, तो जब तक मैं उसे समझूंगा नहीं तो फिर रियलाइज़ कैसे होगा, तो वही है रियलाइज़, मतलब अंडरस्टैंड क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे ये आपका फिनिश होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। ये आपकी कॉपी में लिखा भी होना चाहिए और याद भी होना चाहिए आपको। ठीक है, थैंक यू।